हाय दोस्तों, मेरा नाम मनन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सैमसंग J26 का जो मॉडल है, इस मॉडल को आप अपने Z3 एक्सबॉक्स से उसका FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि J7 का अलग तरीका है, J26 का अलग तरीका है। इसी तरह हर अलग अलग मोबाइल का जो है अलग अलग तरीका होता है FRP अनलॉक करने का, और सेम तरीके से जो है आप FRP अनलॉक नहीं कर सकते Z3 एक्सबॉक्स से, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सैमसंग J26 का जो है FRP किस तरह से आप अपने Z3 बॉक्स से अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको FRP अगर अनलॉक करना है किसी भी सैमसंग मोबाइल का, तो उसका जो है कम्बिनेशन फाइल होता है उसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ता है अपने जो है Z3 एक्सबॉक्स के सेल सेटअप से। उसके बाद उस फाइल से ही आपको फ्लैश करना होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और करके दिखाना हूं किस तरह से आप सैमसंग J26 का जो है FRP अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे अगली वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो एक बेल आइकन होता है घंटी टाइप का, उस घंटी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको हमारे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी और सबसे पहले आप जो है हमारे वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये सैमसंग J26 का मॉडल है। इस मॉडल में जो है इसमें FRP लॉक है, आप देख लें यहाँ पे। तो दोस्तों बता दूं आपको मैं कि FRP लॉक होता क्या है। FRP लॉक एक गूगल की वजह से होता है। गूगल अकाउंट से जब आप लॉगिन करते हैं अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में, और उसके बाद उस मोबाइल को अगर कोई फैक्ट्री रिसेट करता है तो फैक्ट्री रिसेट करने के बाद जो है वो मोबाइल में जो है FRP उसका जो है ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो जाता है। तो उसका FRP अनलॉक करने के लिए आपको जो है आप मिरेकल बॉक्स से भी कर सकते हैं, आप Z3 एक्सबॉक्स से भी कर सकते हैं, आप ओडिन टूल से भी कर सकते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप मान के चलिए अगर ओडिन से करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी है, उसमें आपको उसका जो FRP फाइल है उसे आपको काफ़ी आपको खोजना पड़ेगा नेट पर। और उसके बाद अगर आप मिरेकल बॉक्स से करेंगे तो उसके लिए भी आपको उसका FRP फाइल जो है नेट पर खोजना पड़ेगा। लेकिन अगर Z3 एक्सबॉक्स अगर आप करते हैं अनलॉक FRP लॉक को, तो इसके लिए आपको जो इसका FRP फाइल जो है एक कम्बिनेशन फाइल आपको खोजना नहीं पड़ेगा, और ये Z3 एक्सबॉक्स के सेल में जो है मौजूद होता है, यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कैसे आपको जो कम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना है, फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है अपने Z3 एक्सबॉक्स के सेल से। तो चलिए दोस्तों हम आप इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि ये जो सैमसंग J200G का जो मॉडल है इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपने Z3 एक्सबॉक्स के टूल में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि FRP अनलॉक करने के लिए आपको अपने मोबाइल को ऑन कर देना है, उसके बाद अपने USB डाटा केबल से ऑन लगा देना है कंप्यूटर में। उसके बाद आपको जो यहाँ पे PDF सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये कम्बिनेशन फाइल सेलेक्ट करना है, और ये जो चेक है यहाँ पे ये दो फाइलों का चेक आपको हटा देना है। उसके बाद फ्लैश टू रिबूट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, रिबूट टू फ्लैश पे क्लिक करना है आपको। आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि डाउनलोडिंग मोड पे मोबाइल को आप अपने हाथों से भी ला सकते हैं, या मोबाइल को ऑन करके USB डाटा केबल लगा करके अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे रिबूट टू फ्लैश पे आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल जो ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। तो जैसे आप फ्लैश करेंगे यहाँ पे फ्लैशिंग डन लिखनी चाहिए, कंप्लीट फ्लैश लिखनी चाहिए, एरर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी तरह का अगर एरर आता है तो आपका जो FRP अनलॉक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट फ्लैश होने के लिए देना है ये कम्बिनेशन फाइल से। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक हम इसको फ्लैश होने देते हैं तब आगे हम आपको बताते हैं कैसे आपको जो इसका FRP अनलॉक करना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जो फ्लैशिंग जो है कंप्लीट हो चुका है और हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो रिस्टार्ट होने के बाद जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा मोबाइल जो एडीबी मोड में चला गया है। उसके बाद हमें अनलॉक पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अनलॉक टूल को। अनलॉक टूल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जो रिसेट एफआरपी पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम रिसेट एफआरपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमें ओके कर देना है। फिर यहाँ पे हमें ओके कर देना है। और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे मोबाइल पर जो अलाउ यूएसबी डिबगिंग का जो ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे हमें चेक लगाना है। उसके बाद हमें ओके कर देना है। और जैसे उस ऑप्शन पे चेक लगा के हम ओके करेंगे और हमारा जो मोबाइल का जो एफआरपी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अनलॉक होने लगेगा। तो दोस्तों जैसे हमारा मोबाइल का जो एफआरपी अनलॉक होगा, हमारा मोबाइल जो फिर से जो है रिस्टार्ट होगा। और रिस्टार्ट होने के बाद इसमें कुछ प्रोसेस करना होगा, आप थोड़ा सा पूरी वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे मोबाइल में जो कुछ प्रोसेस चल रहा है, ये सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ अपने हाथों से इसमें कुछ प्रोसेस करना होगा। और आप ध्यान से देख लें। तो दोस्तों हमारे मोबाइल का जो एफआरपी अनलॉक हो चुका है, उसके बाद हमें अपने मोबाइल को यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।